तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, साधु जीवन से साधुओं को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। गुरुवर के पास आकर के जब मैं 8-10 साल रह लिया, अचानक मुझे पता चला कि आरिकाओं में एक आरिका की बड़ी प्रसिद्धि है, उज्ज्वलमती नाम है, समाधिस्थ हो गए। हमने उनसे पूछा कि महाव्रती तो उन लोग सब हैं, सभी आरिकाएं हैं, सभी सत्य बोलती हैं, सभी समाई करती हैं, सभी लोग हैं, वो केशलोच करते हैं, एक समय का भोजन करते हैं, जितनी आरिकाएं हैं वो सभी सफ़ेद साड़ी ही उपयोग में लाती हैं, पद विहार करती हैं, जब सब एक जैसी हैं तो फिर उसकी तारीफ क्यों, पूछा मैंने। तो बस कोई जवाब नहीं था, बस लोग सब एक ही बात कहते थे, वो कुछ अलग है। समाज में रह करके, चाहे वो साधु समाज हो चाहे गृहस्थ हो, कहीं पर भी समूह पर हम रहते हैं, हमारे बीच में रहते रहते कोई इस तरीके से रहता है कि उसको देख करके हमको खुशी होती है। कभी देखिएगा, आपकी समाज में बहुत सारे करोड़पति लोग होंगे, लेकिन सारे करोड़पतियों को देख करके समाज के लोगों को खुशी नहीं होती, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी छोटी सी किराना की दुकान होगी, उसके घर की कोई ऐसी आचार संहिता होगी, अच्छे से बात करता होगा, सबको भैया जी कहता होगा, शुद्ध सात्विक वस्त्र पहनता होगा, पाप नहीं करता होगा, लौंग भी नहीं खाता होगा, पता नहीं क्यों वो कुछ इस तरीके से जीता है कि समाज के लोगों को देख करके उसको खुशी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये हमारे दुकान में 5 मिनट बैठ ले, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मंदिर में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। करोड़पतियों को नहीं पूछते, करोड़पतियों में बहुत सारे ऐसे दानशील भी होंगे आपके परिवारों में, समाजों में, नगर में, मोहल्ले में, देश में, लेकिन उनको देख करके खुशी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं कैसा जीवन जीते हैं वो, उनको देख के खुशी होती है ना, होती है खुशी। आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आर्थिक स्थिति से हो सकता है आपसे कमजोर हो, लेकिन उसको देख करके आपको भी अच्छा लगता है, उससे आप चला करके जय जिनेंद्र कर लेते हैं, चला करके उससे पूछ लेते हैं क्यों सब ठीक है, वो भी प्रेम से कहता है हाँ भैया आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है, कोई कसाई नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ वो आपसे कभी मांगता नहीं, आपके घर में जब कभी भी हो अपनी हैसियत से ज़्यादा देने का प्रयास करता है, लेता नहीं, लेकिन आपको, आपके मोहल्ले में ऐसा कौन वो व्यक्ति है जिसको आपको देख करके खुशी होती है, एक बार अपनी स्मृति में देखिएगा। आरिकाएं थी बहुत सारी, सब एक जैसा धर्म का पालन करती, साधु हैं, महाव्रती हैं बहुत सारे दुनिया में, सब एक जैसी चर्या का पालन करते,
लेकिन सबको देख करके आपको खुशी नहीं होती है। कुछ लोग, कुछ साधु हैं, कुछ आरिका हैं, ऐसे उस आरिका का अपना ही वैभव था, अपनी एक चर्या थी, अपना जीवन जीने का एक ऐसा अंदाज था। अंदाज तो सबका एक जैसा था, लेकिन उस एक जैसे अंदाज में भी खुद की प्रज्ञा कुछ ऐसा काम कर गई, जो विनय है, भक्ति है, प्रत्याख्यान इत्यादि है, चर्या की निर्मलता है, भावों की विशुद्धि है, निर्लोभीपना है, अहंकार रहित जीवन है। अहंकार शब्द अपने आप में बड़ा विचित्र है बंधुओं। गुरुदेव हमेशा कहते थे, सारी बुराइयां दुर्गुणों से पैदा होती हैं। कोई भी बुराई है आपके जीवन में, वो दुर्गुण से पैदा होती है। सिर्फ अहंकार नाम की एक ऐसी बुराई है जो अच्छाई से पैदा होती है। अहंकार कभी बुराई से पैदा नहीं होता, वो अच्छाई से पैदा होता है। ज्ञान अच्छा है आपके पास, अच्छे ज्ञान का अहंकार हो गया, तो अहंकार कहां से पैदा हुआ? अच्छाई से। अहंकार कभी भी बुराई से पैदा नहीं होता। अभिमान कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुराई से पैदा नहीं होता। कोई शराबी है ना, कहता हमसे ज्यादा कौन पी सकता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई बोलते ही नहीं है। अहंकार बुराई से पैदा नहीं होता। कोई गंजेड़ी है, कोई भी शराब पीने वाला है, कोई वैश्यागमन करने वाला है, मांस खाने वाला है, ये लोग कभी अहंकारी नहीं होते, ये लोग पापी होते हैं। ये पापियों में और अहंकारियों में अंतर है। अहंकार अभिमान एक ऐसा शब्द है तो बुराई, लेकिन वो पैदा कहां से होती है? अच्छाई से। कैसी कैसी अच्छाइयों पे अहंकार होता है देखिए, कि किसी के पास बहुत ज्ञान बढ़ गया, वो उसी में बुरा हो गया है तो वो ज्ञानी, लेकिन उसको देख करके खुशी नहीं होती, बिल्कुल खुशी नहीं होती। क्यों? है तो एक नंबर का दिमाग, तो एक नंबर है, कि घमंडी भी एक नंबर है। साधुओं में भी ऐसी प्रसिद्धि है, साधु समाज में, साधिकाओं समाज में भी ऐसी प्रसिद्धि है। आपके समाज में भी किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, अपने ज्ञान के क्षयोपशम के कारण कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया होगा, एसपी बन गया होगा, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बन गया होगा, आईआईटीएन बन गया होगा, लेकिन उसको देख करके आपको खुशी होती है क्या? नहीं होती। क्यों? दिमाग तो बहुत तेज है, यूपीएससी एक बार में क्रॉस कर लिया, लेकिन है बड़े घमंडी, होता है ना। देखो अहंकार अभिमान कैसी चीज है कि वो सिर्फ अच्छाई से पैदा होता है, बुराई से वो कभी पैदा नहीं हुआ। ज्ञान से वो दुर्गुण पैदा होता है। उस तरीके से अगर आपकी खूब अच्छी प्रशंसा होने लगे, कोई आपकी अच्छे कर्तव्यों में निश्चित करके लोग आपको आगे करने लगे, भैया आप कर लो, भैया आप कर लो, दो चार बार भैया भैया क्या कर लिया, वो आदमी अपने आपको अहंकारी समझने लगा, हमारे बिना सिस्टम ही नहीं चल सकता, ऐसी धारणा बन जाती है। अहंकार कैसा पैदा हो गया? हमने आपको बड़ा समझा, हमने आपको अपने से ऊंचा समझा, बड्डे समझा, फिर बड्डे समझ करके हमने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, तुम्हारे दिमाग में घमंड आ गया, किस बात का? हमारे बिना काम नहीं चल सकता, हम राम का रा भी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, ऐसा बोल देते। क्यों? क्योंकि जो भी है हम ही है, राम का रा भी नहीं निकलेगा उनके मुंह से। ऐसे भी लोग, कहां से पैदा हुआ वो अहंकार? पूजा प्रशंसा से। हमने उनके सामने हजार बार हाथ जोड़े, वो अपने आप को भगवान समझने लगे, जबकि हजार बार हाथ जोड़ने के बाद गुरुदेव कहते थे, जितनी बार कोई हाथ जोड़े, नमोस्तु करे, सीपल चढ़ाए, तो ध्यान रखना वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर के क्या बोलता है। वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर के बोलता है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। वो तुम्हारे सामने खड़े होकर के ऐसा अर्घ चढ़ा रहा है, और अगर तुम्हारे अंदर भावों की निर्मल सरिता नहीं हुई, तो एक सच्चे साधक की, एक अच्छे सच्चे श्रावक की भावना का अर्घ खराब हो जाएगा, उसका पाप तुमको लगेगा। जब कोई हमें सम्मान मान सम्मान देता है, हम आंख बंद करके गुरुदेव को याद करते हैं, गुरुदेव से एक ही बात कहते हैं, भगवान मैं इस योग्य नहीं हूं,
लेकिन फिर भी इतने सारे लोग मुझे सुनते हैं, इतने सारे लोग मेरे सामने आते हैं, नमोस्तु करते हैं, दान देते हैं, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, किसी बंदर की कोई महिमा नहीं है लंका जीतने में। लंका जीतने में राम की महिमा है, और राम बंदर कभी राम नहीं बन सकता, राम तो राम ही है, उन्हीं के कारण सीता है, उन्हीं के कारण रावण की कीमत है, उन्हीं के कारण लंका विजय है। किसी भी बंदर के मन के अंदर ये बात आ जाए कि मैंने सीता जीत के लाए, हमारे बल पे, तुम्हारे बल पे नहीं, राम का अपना बल था। ये तो राम ने अनुकंपा करी कि बंदरों को सीता का पता लगाने के लिए भेज दिया, नहीं तो राम अकेले भी सब कर सकते थे, नारायण है वो, उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, उनके पास सामर्थ है, उनको लंका में पुल बनाने की जरूरत नहीं थी, एक क्रोधित दृष्टि से मात समुद्र को देख लेते तो समुद्र अपना रास्ता छोड़ देता। लेकिन राम ने फिर भी बानर सेना इकट्ठी करी, खूब बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी बानर सेना के सामने असहाय होकर के खड़े होकर के बोल बैठे कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा। फिर देखो सुग्रीव को, अंगद को, नल नील को, हनुमान को, सब लोग तैयार, बोले हमारा भगवान उदास हो रहा है, हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम बनाएंगे। बना दिया, लंका पूरी तैयार कर दी। अब पूरा पुल तैयार करने के बाद वे बानर सोचे हमने कर दिया। ये अहंकार अच्छाई से पैदा होता है, ये अभिमान बंधुओं अच्छाई से पैदा होता है। बड़ा विचित्र है जीवन, अपने जीवन में देखना ना थोड़ा सा कि है क्या ज्ञान का, है क्या पूजा प्रतिष्ठा का। जब लोग आपके सफेद ड्रेस को और आपकी प्रतिष्ठा और आपके दबदबे को देख करके आपको थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप महान हो गए। अहंकार पैदा नहीं करना उस वक्त, अहंकार अभिमान वो शब्द है सिर्फ अच्छाई से पैदा होते हैं, ज्ञान से। वो अहंकार पैदा होता है पूजा प्रशंसा से, वो अहंकार पैदा होता है कुल के अभिमान से। कुल के अभिमान का भी अहंकार होता है, जाति का अहंकार होता है। अच्छी चीज है आपको जिनेंद्र भगवान का ऊंचा कुल मिला, बहुत अच्छी चीज है, आपको श्रद्धा मिली, आपको भक्ति मिली, आपके घर के अंदर बहुत अच्छी संपत्ति मिली, आप प्रभु जी की रोज मंदिर जाकर के पूजा करते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोगों को देख करके आपको खुशी क्यों नहीं होती। ये बात कभी केवली से पूछिएगा, पूछिएगा कभी केवली से बात कि मैंने करोड़ रुपए दान दिए लेकिन जब मैं रोड से निकलता हूं तो क्या मुझे देख करके लोगों को खुशी होती है। परिवार में, चलिए मोहल्ला और नगर तो बहुत बड़ी बात है, हम इस बात को परिवार के अंदर पहले सबसे पहले देखते हैं कि परिवार में एक सदस्य कोई ऐसा हो जिसको देख करके परिवार को लगे कि ये हमारे पूरे परिवार का सौभाग्य है। कोई एक सदस्य होगा आपके परिवार में, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका पुत्र हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं। परिवार कितना छोटा सा है आपका, 10-12 लोगों का, 15 लोगों का। अपने परिवार में सबसे पहले देखिए कि परिवार के 10-12-15 सदस्यों के बीच में अंतर मन से एक भाव उठता है सबके, भैया जो भी हुई है बड़े से छोटे से मंझले से पूछ के करेंगे, क्यों लगता है ये सौभाग्य है हमारे घर का। वो सौभाग्य क्या है बताओ ना, वो अलग तरीके से जीवन जीता है क्या, वही रोटी वही दाल चावल वही घर में सोता है, उसकी विचार शक्ति, उसकी भावना शक्ति, उसकी समझ शक्ति, उसकी निर्णय शक्ति, उसकी सहन शक्ति ऐसी जबरदस्त होती है कि उसको देख करके परिवार के लोगों को लगता है कि ये हमारे परिवार का सौभाग्य है। जो आपके परिवार का सौभाग्य है वो आपके मोहल्ले का सौभाग्य नहीं है, ये बात भी तय करिएगा। किसी व्यक्ति की आपके घर के अंदर कीमत है, ठीक है ना, लेकिन उस व्यक्ति की घर से बाहर निकलते साथ कोई कीमत नहीं है। बाहर का निकलने वाला व्यक्ति उसको धक्का दे करके ए बे ते कह करके बात करके हल्के में लेता है। मतलब जो हमारे लिए सौभाग्यशाली है
वो व्यक्ति हमारे मोहल्ले के लिए सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की ताकत देखो, जो व्यक्ति मोहल्ले से निकलता है तो परिवार के लोग भी उसको सौभाग्यशाली समझते हैं और मोहल्ले के लोग भी उसको सौभाग्यशाली समझते हैं। मोहल्ले के लोग भी समझते हैं ये हमारे मोहल्ले में है, ये हमारा सौभाग्य है। इसकी क्या खासियत है? उनके आने पर सिगरेट पीता हुआ जैन या अजैन कोई होगा अपनी सिगरेट छुपा लेगा, झगड़ा शांत हो जाएंगे, बहुएं सिर में पल्लू डाल लेंगी, जबकि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हम तुम्हें देख भी नहीं रहे। उसके बाद भी वो ऐसा जीता है कि बहुएं पल्लू डाल देंगी, महिला धीरे चुप रहो, पहले भैया को निकल जान दो के बाद बात करियो, अबे नहीं। ऐसा होता है ना, होता एक मोहल्ले में होता है, कोई एक होते हैं, कभी दो मिल जाते हैं, कभी तीन मिल जाते हैं। अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का सबसे पहले सौभाग्य देखिए कि कोई आपके घर में कोई सौभाग्य है क्या जिसको आपको देख करके खुशी होती है। उसी सौभाग्य को जब वो रोड में पैर रखता है तो वो सौभाग्य खत्म हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति का ऑरा सिर्फ उस परिवार के बीच तक बड़ा है लेकिन मोहल्ले में बड़ा नहीं है। मोहल्ले में जिसका ऑरा बड़ा है उसका ऑरा समाज में बड़ा नहीं है। वो व्यक्ति जो मोहल्ले में, मोहल्ले भर के लोगों को जिसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे मोहल्ले का सौभाग्य है, पैसा नहीं है उसके पास बहुत ज़्यादा, है तो वो मध्यम वर्गीय, लेकिन करोड़पति के दिल में भी प्रेम है उस व्यक्ति के प्रति। क्या आपका ऐसा कहीं पे नंबर लगा क्या आज तक? लगा क्या? देखो ना, आप अच्छे हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं, आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं, आप गाली नहीं देते हैं, आप दान भी अच्छा देते हैं, आप सब अच्छा करते हैं, लेकिन आप अपने मोहल्ले के लिए सौभाग्य नहीं है। चिंतन है ना, सोचो कैसा है। हम सब अच्छा करते हैं, हम कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, हम किसी के बारे में ना कभी अपशब्द कहते हैं, ना हम कभी किसी को डांटते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं करते, धार्मिक क्रियाओं में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचो कि हम में क्या कमी रह गई कि हम अपने मोहल्ले के लिए सौभाग्य नहीं बन पाए। और जो मोहल्ले के लिए सौभाग्य बना वो आपके नगर या समाज के लिए सौभाग्य नहीं बन पाया। ऐसा भी होता है, आपके मंदिर में भी ऐसा होगा। एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं लेकिन आंखें टटोलती हैं, काहे बे, कहाँ है सहजपुर वाली दादी नहीं आई, सब पूछ रहे सहजपुर वाली दादी कहाँ है, का मतलब तुम्हें दादी से? भैया बे, दादी हमारे पूरे मंदिर की माँ है, अगर उनकी जगह में कोई बैठ गओ, अभी बे आई नहीं, वो कुछ कहती नहीं, वो चाहे तो दूसरी जगह में बैठ जाएंगी, लेकिन समाज के लोग अपने आप कोई व्यक्ति बैठ जाए तो धीरे से उठा देते, सुनो उधर से उठो, वे सहजपुर वाली दादी की जगह है, वे उतर आके बैठे। ऐसा होता है क्या आपके मोहल्लों में, मंदिर में है? उस सौभाग्यशाली के लिए एक बार अच्छी ताली बजा दो। आंख बंद करके सबसे पहले उठो, एक बार अपने परिवार में जो सौभाग्य है उसके लिए एक बार अनुमोदना करो कि जो मेरे परिवार का सौभाग्य है भगवान उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह सोकर के उठो तो फिर अपने मंदिर के लिए जो सौभाग्य है, प्रभु तो सौभाग्य है ही, आपकी भावना सौभाग्य है, आप आए हैं सौभाग्य है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ इस तरीके से जीता है कि उसको देख करके सबको खुशी होती है। दादी कोई काम की नहीं है लेकिन रोड से निकल है तो रोड से निकलते वक्त दादी का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं है, काली है, सांवली है, झुकी भई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके मंदिर का सौभाग्य है। वो कोई पुरुष भी हो सकता है, वो कोई जवान लड़का भी हो सकता है, वो कोई पुजारी भी हो सकता है, जिसके बिना मंदिर अधूरा अधूरा लगता है। होता है क्या? होता है महाराज। आप पहले अपने घर का सौभाग्य देखिए, आंख बंद करके भगवान से मंदिर आकर के प्रार्थना करिए। हम परिवार में 10 लोग रहते हैं लेकिन उनके बीच में भी जो हमारे परिवार का सौभाग्य है उसका स्वास्थ्य भगवान आपके आशीर्वाद से अच्छा बना रहे। ये प्रार्थना, ये भावना कैसी उज्ज्वल होती है। फिर आंख बंद करके
हमारे मंदिर जी इतना पवित्र है, हमारे यहाँ धर्म ध्यान बहुत अच्छे से होता है, हमारे मंदिर के अंदर भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मंदिर के सौभाग्य हैं फलानी दादी या भैया, प्रभु उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हमारे मोहल्ले का सौभाग्य है एक व्यक्ति, कौन है आपके मोहल्ले का सौभाग्य, जिसको देख करके कोई साधु आ जाए, कोई आरिका आ जाए, कोई भी व्रती आ जाए, करोड़पति अपने घर में लेकर के नहीं जाता, वो कहता है सुनो सालनी से बोल देना, सालनी उसकी व्यवस्था कर देगी, सालनी के घर में भेज देगा, मालजी के घर में भेज देगा, क्यों, उसको भी विश्वास है। हमारी पत्नी करोड़पति होने के बावजूद इस व्रती को रोटी नहीं खिला पाएगी, उसको 10 मिनट नहीं लगेगा, वो अपने घर का सारा काम समेटेगी और पहले इसको भोजन करा देगी। वो आपके मोहल्ले का सौभाग्य है कि जिसके कारण आप साधु के आने पर घबराते नहीं, आश्वस्त रहते हैं, कोई संभाले या ना संभाले ये तो संभाल ही लेगी, ऐसा कोई है ना मोहल्ले का सौभाग्य। इस पर्व राज पर्युषण पर्व के पूर्व में अपने अपने मंदिरों में एक बोर्ड लगाइएगा हमारे मंदिर जी के सौभाग्य के रूप में, फिर निश्चित करिएगा कि उसमें वोटिंग करा के भी आप देखेंगे तो वोटिंग के लिए आपको कोई कागज नहीं डालना पड़ता, सब आंखों आंखों में वोटिंग हो जाती, क्यों भाई साहब दादी का नाम हमारे मंदिर के सौभाग्य में ऊपर लिख दो, श्री दिगंबर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का सौभाग्य है इन शावक श्रेष्ठी के कारण, ऊपर दादी का नाम लिख दो समान, उससे पैसा नहीं चाहिए हमको, लेकिन नाम लिखने पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज से आने वाला कोई तीसरा व्यक्ति जो वहां पर प्रवेश करता है वो देखता है कि अरे ये तो इनके घर इनके मोहल्ले में 3-4 सौभाग्य हैं, कई मोहल्ले में एक नाम नहीं मिलेगा बंधुओं, उनको जाकर के दूसरे मोहल्ले के सौभाग्य से अपना जीवन जीना पड़ता है। फिर आपके नगर का सौभाग्य कौन है, आपके समाज में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिस व्यक्ति को देख करके आपको लगेगा कि अगर ये हमारी समाज से मिट गया तो हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा आपकी समाज में, बड़ी समाजी होंगी तो हो सकता है 2-4, 10-50 लोग मिल जाएं, लेकिन आंख बंद करके एक बार आप उसको वोट दीजिए कि जिसको देख करके ये लगता है, इंदौर शहर के लोग वोट दो किसी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 10-50 जितने भी आप दे सकते हैं, एक बार देने की कोशिश करके देखो कि उसमें आपको लगता है कि अगर मैंने, अगर मेरी समाज से इस व्यक्ति का साया उठ गया तो समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ऐसा भी कोई एक सौभाग्य होगा पूरे समाज का, पूरे नगर का, ऐसे ही पूरी कौम का, समाज का एक सौभाग्य थे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। शत्रु भी, शत्रु तो खैर गुरु की नजरों में तो कोई था नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ते भी थे, जैसे राम से चिढ़ते थे बहुत सारे लोग, महावीर से चिढ़ते थे, कृष्ण से चिढ़ते थे, ऐसे महापुरुष से चिढ़ने वालों की भी कमी नहीं, लेकिन उनसे चिढ़ने वाले लोग भी उन पर अकाट श्रद्धा रखते थे, वो भी कहते थे कि साधु कोई है, आचार्य कोई है तो उसका नाम सिर्फ विद्यासागर जी ने, वो भी इस बात को कहते हैं, मानते हैं वो आज भी, वो बुरा कहेंगे, वो हस्तक्षेप करेंगे, वो बुराई भी करेंगे, लेकिन अंतर मन में कहेंगे कि सौभाग्य है वो जिन शासन के, कि उनके रहने पर पूरी समाज, पूरी कौम, पूरे धनपुद्ध कुबेरों को लगता था कि ये सौभाग्य सौभाग्य है, इसके बिना जीवन नहीं। प्रभावक होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है, लेकिन साधु होना बहुत अलग वस्तु होती है, साधु में और प्रभावक में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का बंधु। प्रभावक सीधे साधे प्रभावक नहीं होते, ये अपने गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में एक कारिका लिखी है, जितने भी नदियों में बाढ़ का पानी आता है, वो नदियों में जो बाढ़ का पानी लगातार आ रहा है, कभी भी भरी पूरी नदियां साफ पानी से बाढ़ नहीं आती, ध्यान रखिएगा गंदे पानी से बाढ़ आती है, साफ पानी वाले तो खजुराहो में शांति से बैठे हैं, विश्वास मानिए
जो साप पाने की बाढ़ लाने की सामर्थ्य रखते हैं वो खुजराहों में बैठ करके शांति से धर्म ध्यान कर रहे हैं। साधु में और प्रभावकों में अंतर है। मेरे चेहरे पर कभी आपको कषाय दिखती होगी, मेरे चेहरे में कभी आपको क्रोध दिखता होगा, लोभ दिखता होगा, लेकिन आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के चेहरे पर वो चीज दिखाई नहीं देगी, क्रोध दिखाई नहीं देगा। समता भाव, समसत्व बंधु भग्गो, समसु दुखो, पसंस निंद समो, सम लोठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो, ऐसो समणो भगवम धन्नाते भयवंता। वो अलग वस्तु है। मैं आप सबकी नजरों में बहुत अच्छा बोलता होऊंगा, आपकी नजरों में मेरी अलग प्रतिष्ठा होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हम वो नहीं है जो होना चाहिए था। प्रभावक अलग वस्तु होती है, साधु होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है। हमारे चेहरे में आपको कभी कषाय दिख जाएगी, हास्य दिख जाएगा, कभी हो सकता है शब्द के स्खलन के कारण हम कोई मजाक कर बैठे, लेकिन वो हर चीज पे सधे हुए हैं। उनको कभी भी अपनी वाणी बोलने के बाद इस बात का अफसोस नहीं होता कि दो शब्द गलत कह दिए। उनकी चेतना से निकलने वाले वचन वर्गणाएं इतनी पवित्र होती हैं, हर शब्द परिष्कृत और अमृत का झरना रहता है। बंधु अलग होते हैं वो लोग, ये जो जिनके सामने इतने बड़े बड़े पंडाल दिखते हैं ना, ये पंडाल हमारा वैभव नहीं है, ये तो बस एक व्यवस्थाएं बनी थी। लेकिन साधु होना बहुत अलग वस्तु होती है। जब कभी भी साधु वर्ग भी अगर इस बात को सुन रहे हो तो वो भी अपने आप में महसूस करिएगा इस बात को। बताओ ना, आप भी बताइएगा कि अंतर मन में अपनी कुटिलता के परिणाम, अपनी मायाचारी के परिणाम, अपने द्वेष के परिणाम, अपने राग के परिणाम, अपने मोह के परिणाम, पक्षपात के परिणाम पैदा होते हैं ना, अपन के भी होते हैं, लेकिन आचार्य महाराज के नहीं होते। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज बिना राग द्वेष किए हुए सिर्फ अपने शुद्ध आगमिक चर्या का पालन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उपदेश देते हैं, और ऊपर की साधना वाले साधुओं की कीमत ही अलग है। प्रभावकों को साधुओं से मत जोड़िएगा। आप सबको एक नया विजन दे रहा हूं। आपको लगेगा कि महाराज उस श्रेणी में आप, मैं खुद उसमें खड़ा हूं, अपराधियों की श्रेणी में मैं कोई साफ सुथरा नहीं हूं, मैं भी उसी में खड़ा हूं। मैं खुद महसूस करता हूं इस बात को कि अंदर से कभी मान कषाय का उदय आता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कषाय कभी कभी तीव्र हो जाती है। उस कषाय की तीव्रता में कई बार ऐसा लगता है कि गुणस्थान कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे सधे दिए के जैसे हैं। अरे दिया से सधा तो उस स्फटिक मणि की रोशनी होती है जिसको कोई ऐसा ऐसा हिला नहीं सकता, हीरे की चमक को जैसे कोई हिला नहीं सकता, ऐसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हीरे के जैसे चमचमाते हुए वे साधना के हिमालय हैं। बंधुओं, धूल नहीं है हम उनकी, चरणों की धूल नहीं है। भले ही आप हमें कुछ भी मानते हो, लेकिन जब उनके सामने जिस दिन खड़े होंगे उस दिन लगेगा, एक साधु को भी एक साधु देख करके जो खुशी होती है, लगता है ना ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम जैसे पामर लोगों के ऊपर कम से कम इन्होंने कृपा तो करी। ये सौभाग्य है जीवन का। अपने आप को भगवान मानना अहंकार है, लेकिन किसी और को भगवान मान करके उनके चरणों में बैठना ये जीवन का सौभाग्य है। ये जीवन है बंधु, आपके घर का, आपके मंदिर का, आपके मोहल्ले का, आपके नगर का, गृहस्थों के बीच में या साधुओं के बीच में, दोनों का एक एक सौभाग्य अपने पेपर में नोटिफाई करिए। लिखो अपने घर में, हमारे घर के सौभाग्य हैं फलाने भैया या भाभी या बच्चा, कोई भी एक होगा, दो नहीं होंगे ध्यान रखिएगा, एक ही होगा, वो जिंदगी कुछ अलग तरीके से जीता होगा, वो सौभाग्य है। मुझे याद है कि गुरुदेव इस बात को बार बार कहते थे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, मेरे जीवन का बस एक ही सौभाग्य था, मैंने जीवन में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं पढ़ा, एक सौभाग्य था बस, गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज। गुरुदेव हमेशा यही बात कहते थे कि दादा गुरु जो मुझे सौभाग्य से मिले, जैसे अभी आप आते हैं ना, आते हैं कभी किसी कोई
समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाते हैं। 51 रुपए की बोली ले ली शास्त्र धान की, आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम जैसे ही उससे सौभाग्य शब्द मैंने सुना तो मैंने कहा ये तुम्हारा सौभाग्य तो हो सकता है कि तुम एक शास्त्र दान की बोली लेकर के गुरु के पास तक आकर के उनको एक शास्त्र दान भेंट कर लो, लेकिन गुरु को लगे कभी तुम्हें देख करके ये हमारा सौभाग्य है कि ये व्यक्ति हमारे पास तक आकर के हमको शास्त्र दान भेंट कर रहा है। अभी तुम्हारे 51 रुपए की राशि से न गुरु का दिल हिला न दिमाग, लेकिन कभी कुछ ऐसे दान देकर के शास्त्र भेंट करने की कोशिश करना कि जब शास्त्र भेंट करने का एक ऐसा अवसर होता है जब हम गुरु को और गुरु हमको बहुत करीब से देखते हैं। वैसे तो आप मुझे अभी बहुत दूर से देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप मुझे बहुत करीब से देखते हैं। कभी ऐसा कोई काम करो कि साधु को लगे कि ये श्रावक भी हमारे जीवन का सौभाग्य है, अगर ये चला गया तो फिर जिन शासन कैसे जीवित रहेगा। ऐसे एक सौभाग्य थे पूरे सागर के बीच में राकेश भैया पिडरुआ वाले, जिस दिन वो हृदय गति रुकने के कारण रात में सोते सोते उनका देहावसान हुआ, साधु तक का दिल धक कर गया। जब गुरुदेव ने सुना कि राकेश भैया पिडरुआ वाले शांत हो गए, आचार्य जी आश्चर्य, राकेश ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वास था कि ये भाग्योदय तीर्थ का सौभाग्य है। विश्वास था गुरुदेव को, एक श्रावक है, शाम को अपना खाता है, जीता है, सारे जीवन जीता है, पैसा कमाता है, झूठ बोलता है, सब करता है, लेकिन उसके बाद भी गुरु के दिल तक इतनी गहराइयों पर कोई उतर जाए कि जिसके जाने के बाद गुरु को धक्का लगे कि एक श्रावक होकर के चला गया, लगे कि सौभाग्य चला गया। ऐसा भी एक सौभाग्य में आपने अपना जीवन बहुत निराकुलता पूर्वक जिया है, आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कभी कोई कसाई नहीं करी, आपने दान भी यथोचित मांगने पर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या रह गया जीवन में कि हम सौभाग्य न बन पाए। वो महिला जो घर के अंदर कहती है, महाराज जिंदगी निकल गई घर में सबका करते करते, लेकिन कभी भी किसी के मुख से प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिले। तरस गए हम अपने पति से, अपने पिता से, अपने परिवार के लोगों से। सुबह 5 बजे ठंडी में उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या हो गया कि जीवन में आप इतनी मेहनत करने के बाद भी परिवार वालों के बीच में सौभाग्य नहीं बन पाए, समाज के बीच में इतना दान देने के बाद भी आपके मरने के बाद लोग दुकानें बंद नहीं कर पाए। बोले अरे वो चले गए, अरे हो चले गए हुई हैं, कितने बजे जाने जो बता दो। वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली होता है जिसकी मिट्टी पर लोग जाकर के वहां पर बैठ करके गुटखा खाते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग, देखिएगा कभी जब अंत्येष्टि में करने के लिए वहां पे ले जाते हैं मुक्ति धाम पे, तो वहां पर बैठ करके लोग गुटखा खाते रहते हैं। कुछ इतनी कीमत पैदा करो कि तुम्हारे जाने पर एक बूंद तो टपके किसी के आंख से, हमारे जीवन का सौभाग्य था लेकिन चला गया। आज वो उपदेश की श्रृंखला सिर्फ सौभाग्य के ऊपर है। हम बहुत शरीफ हैं, जैसे वो आरिका के संघों में हर आरिका ईमानदार है अपने व्रतों के प्रति, लेकिन उज्ज्वलमती फिर भी प्रसिद्ध थी। किस बात के लिए? वो आरिका कुछ अलग ही है। क्या अलग है उसका? फिर लोग बताते थे, महाराज जी उसका पैर देखिएगा, उसके पैर में ऐसी मोटी मोटी बीमारियां फटी हैं, खून बहता है लेकिन वो पैर को घिसती तक नहीं। उसकी साड़ी देखिएगा महाराज जी, कभी वो साबुन सोडा से साड़ी नहीं धुलवाती। कमंडल के मामले में, जल के मामले में क्या था कि कमंडल खाली हो गया है तो कभी किसी गृहस्थ से ये नहीं कहेगी कि मेरा कमंडल भर दो, जंगल जाना है, हम बोलेंगे नहीं मुंह से कि कमंडल भर दो। किसी श्रावक को चिंता हो कि कहीं माता जी का कमंडल खाली ना हो, इस चक्कर में माता जी जंगल नहीं जा रही, सुबह 6 बजे लगी भी है उसके बाद भी कमंडल का पानी नहीं मांगेंगे। चौके में गए, जैसा वो चाहते थे बिल्कुल योग्य मिला तो लिया, नहीं तो पानी रोटी खा करके वापिस चली आई। कभी किसी से कोई इस बात की नाराजगी नहीं कि तुमने हमें गलत आहार कराया। धीरे धीरे करके, ऐसा भी नहीं कि वो चर्या दिखाती थी, चर्या दिखाना और चर्या करने में अंतर है, वो करती थी ऐसा।
कि देख करके पहले तो आर्यिकाओं के बीच में प्रसिद्धि हुई, ब्रह्मचारियों के बीच में प्रसिद्धि हुई, फिर धीरे धीरे साधुओं के बीच में प्रसिद्धि हुई, पूरे समाज में इस बात की प्रसिद्धि हुई कि साधु देखना है तो बस उज्ज्वलमती को, क्यों उसको देख करके खुशी होती है, इसको कहते हैं। ऐसे ही आप हैं, आपके घर के बगल में आप करोड़पति भी होंगे, लेकिन एक बार अंतर मन में इस भाव को पैदा करके देखिएगा कि हमने ऐसी क्या कमी रह गई कि हम सौभाग्य न बन पाए। फिर उत्तर मिलेगा कि ज्ञान में पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, व्यवहार का, कभी जीवन में अहंकार चेहरे पर सबके सामने दिखाई दिया होगा, शरीर का अहंकार सबके सामने दिखाई दिया होगा, धन का अहंकार लोग मेरे चेहरे पर देख गए होंगे, बस एक छोटा सा अहंकार था जो अच्छाई से पैदा होने वाली बुराई है। वो अहंकार चाहे ज्ञान का हो, एक श्लोक है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपह वपु, तप का अहंकार होगा किसी को अंदर कि खूब तप किया फिर रिलैक्स, देखो मैंने अचीव कर लिया। वो अहंकार अगर एक बार तुम्हारे चेहरे पर कोई देख गया, देखो एक बार चेहरे पर तुमने किसी के सामने कुछ कहा नहीं, जैसे कोई व्यक्ति के पैंट में एक G17 गन फंसी हो तो वो किसी से ये नहीं कहता कि हमारे जेब में गन रखी है, लेकिन गन को रखने के कारण उसकी चाल बदल जाती है, थोड़ा सा उठ करके दबाव में दे करके चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, क्या हो गया, कुछ नहीं, शांत रहो, थोड़ा सा हो क्या गया, बोला ना शांत रह, चपड़ चपड़ मत कर, क्या है। फिर इतना भी बात नहीं हुई, उसके बाद भी आप अपनी गन फंसा करके रोड से निकले मात्र, लेकिन आपकी चाल को देख करके, आपकी वाइब्स को सामने वाले ने पढ़ा, देखा, समझा, और बरसों के करोड़ों के दान के बाद भी हम एक अहंकार चेहरे पर मात्र दिखा गए, जिस कारण से हम समाज का, मोहल्ले का, घर का, मंदिर का सौभाग्य न बन पाए। कैसा जबरदस्त गुरुवर की सोच है, प्रवचन कोई मेरा नहीं है, हम तो दो कोड़ी के लोग, हमको क्या पता कि प्रवचन कैसे किया जाता है, लेकिन जब गुरुवर समझाते थे इस बात को बार बार, आज गुरुदेव नहीं है, एक एक शब्द गुरुवर का याद आता है, एक एक शब्द, एक एक भावना याद आती है, गुरुवर के पैर पे छाले पड़ जाते थे, हम लोग घिस देते थे, कई बार खून निकल जाता था, अचासी जी हमारा चेहरा देख करके ऐसा ऐसा देखते थे, दर्द उनके पैर पे है, खून निकल गया, हम कान पकड़ के बोलते, अचासी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात, दर्द दिया जिस महापुरुष को दुनिया माथा टेकती है, हमने तो उनका पैर भी इतना छीला कि खून निकल गया, हमने उनको दर्द दिया और महापुरुष ने प्यार से बोला कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या क्या गुरु की महिमा है, ऐसे गुरु क्या सबकी किस्मत में होते, क्या किस्मत वालों की किस्मत में ऐसे गुरु होते, और ऐसे किस्मत वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, उन किस्मत वालों में आप भी शामिल हैं बंधुओं, जिन्होंने गुरु को अपनी आंख से देखा है, गुरु का पैर छुआ है, गुरु को आहार दान दिया है, उनका चेहरा पोछा है, उनके बनाए क्षेत्रों पर दान देने का भाव बिना कहे पैदा किया है, उनके दानों देने पर अपनी ताकत लगाई है, घर के अंदर संवाद किया है, गुरुदेव का काम करना है चाहे कुछ हो जाए, ये सब किस्मत वाले हैं, इनके किस्मत का कोई पार नहीं है, क्यों, अंदर से गुरु रहे या ना रहे, गुरु की बात बार बार गूंजती है, बार बार उसी की खुशबू शरीर में दिखाई देती है, जैसे एक शराबी शराब पीना छोड़ भी दे तो भी उसके कपड़ा, उसका शरीर शराब से गंधाता है, जैसे एक कोई व्यक्ति जिसको किसी बगीचे का माली होता है, वो बगीचे से लौट के आता है तो उसके कपड़े से गुलाब की, केवड़ा की, चमेली की खुशबू आती है, जैसे कोई एक महिला होती है चौके से निकलती है तो हल्दी जीरा धनिया उसकी उंगली में हाथ धोने के बाद भी महकते रहते हैं, ऐसे ही भक्त होते हैं जिनके पूरे जिस्म, जान, दिमाग में, दिल में, शरीर में गुरु महकते रहते हैं, उनकी महकन ही अलग है, अलग है, वो लोग अलग हैं,
और उसमें सिर्फ मैं शामिल नहीं हूं, मैं तो बोलता हूं, मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि बस इन्हीं के दिमाग में गुरु भक्ति है। अगर आप में से हर आदमी को माइक दे दिया जाए तो आप भी इसी तरीके से अपने गुरु की भक्ति करेंगे, आपके आवाज आएगी कि मैं भी उतने बड़ा भक्त हूं जितने बड़े भक्त आप हैं। राम की सेना में कोई छोटा बड़ा नहीं था, जितने ताकतवर हनुमान थे उतने ताकतवर अंगद भी थे, नल नील भी थे, सब सेना में एक बराबर थे, क्योंकि सेना बनती ही भक्ति से है। और सेना में कोई एक दो बंदर होते तो ठीक है, दो बंदर सामने बैठे हैं और हजार सामने खड़े हैं राम का काम करने के लिए। ये सब हमारे जीवन का सौभाग्य है, हम अपने गुरु की बात कर पाए, हम अपने गुरु के बारे में सोच पाए, हम गुरु को अपना सौभाग्य मान पाए, हमने गुरु के सौभाग्य में अपने सौभाग्य को जोड़ करके शामिल किया। गुरुवर के सामने जिन लोगों ने दान दिया, विश्वास मानिएगा उस पुण्यात्मा के पैर पकड़ लीजिए कि तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य था कि तुमने गुरुदेव के सामने स्वयं दान की घोषणा करी, हम देंगे, आप चिंता नहीं करिए। कितना बड़ा सौभाग्य था उन लोगों का। आज नए सौभाग्यशाली आते हैं मेरे आपके सामने, जिन्होंने गुरुदेव को नहीं देखा, जिन्होंने रेती रेंज नहीं गए, जिन्होंने ये भी नहीं पूछा हमसे कि मंदिर कहाँ पर बन रहा है, उन्होंने बस एक चीज़ देखी कि इस साधु के चेहरे पर सुबह शाम दोपहर सिर्फ गुरु दिखाई देते हैं, और वही गुरु दिखाई देते हैं जिन गुरु का हम नाम लेते थे। सिर्फ मेरे भरोसे दानवीरों की लाइनें ऐसी लगी हैं पूरे इंदौर शहर के अंदर कि हर आदमी ने अब एक अपना संकल्प ले लिया है कि विनम्र सागर जी महाराज जी के मंच से एक दानवीर का आइडेंटिटी कार्ड हमारे घर की डाइनिंग हॉल पे भी टंगेगा, चाहे कुछ हो जाए। हर आदमी में इस बात की ललक है। अब जब कभी भी रक्षाबंधन राखी में जाइए तब लोगों के घरों का वो दानवीर का पत्र देखिएगा और पूछेगा, क्यों तुम्हारे घर के अंदर आइडेंटिटी कार्ड? बोले वो लगा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। वो प्रमाण पत्र इस बात का कि हमारी श्रद्धा आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित है। वो आपके पैसे ही दान देने के कारण आपको एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया, वो आइडेंटिटी कार्ड आपकी श्रद्धा, आपकी समर्पण, आपकी भक्ति, आपके साहस, आपके प्रेम का है। वो प्रेम का एक आइडेंटिटी कार्ड बहुत सारे घरों में जा करके बिल्कुल व्यवस्थित स्थान पर टंगा हुआ है। पति और दूसरे परिवार की फोटो के ऊपर वो एक आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो जिसको हम सम्मान पत्र दानवीर के नाम से इस मंच से देवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट देती है। मैं दुनिया के सभी लोगों से कहूँगा कि वो गुरुदेव के प्रति आपका प्रेम, समर्पण, श्रद्धा का वो एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है, जिस आइडेंटिटी कार्ड को आप अपने घर में ले जाना अपना सौभाग्य मानिएगा। और कभी किसी साधु का प्रगहन हो तो ऐसे स्थान पर उस कार्ड को लगाइएगा, उस प्रशस्ति पत्र, उस सम्मान पत्र को लगाइएगा कि उस सम्मान पत्र को देख करके साधु को भी लगे कि ये व्यक्ति पक्का किससे, सिर्फ एक शख्स, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। हम अलग लोग हैं, हमने जितना जीवन घर में नहीं जिया उसका डेवड़ा जीवन आचार्य सी जी के साथ रह करके जिया है। मैं 20 साल घर में रहा और 24 साल गुरुदेव के चरणों में। अभी कल मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न था उस व्यक्ति का, बोले महाराज जी जैसे हमारे दिल में बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऐसी आपके दिल में भी तो बहुत सारी चीजें रहती होंगी। मैंने उससे एक ही बात कही कि जैसे तुम्हारे दिल में बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऐसे मेरे दिल में नहीं। जब तक गुरुदेव इस धरती पर थे तो मैं गुरुदेव के साथ रह करके मेरे दिल में सैकड़ों चीजें रहती थी। जब मैं गुरुदेव के साथ रहता था तब गुरुदेव के अलावा मुझे मेरा साधर्मी भी अच्छा लगता था, मुझे शावक भी अच्छे लगते थे। टाइम एक्सपेंड करने के लिए मैं कई बार बहुत शावकों के साथ टाइम इंगेज करता था, उनके साथ रहता था। मैंने उससे कहा कि जब तक गुरुजी इस सृष्टि पर थे तब तक गुरुजी के अलावा मेरी जिंदगी में कई चीज़ों की अहमियत थी, गुरुदेव के जाने के बाद सिर्फ गुरु की अहमियत है, बाकी सब बेमानी हो गए, सब कुछ बेमानी हो गया। ये जीवन है, अपनी अपनी सोच का जीवन है। मेरे अंदर वो तरंगे उठती हैं, आपके अंदर भी वो तरंगे आज नहीं तो कल उठेंगी। और मैं विश्वास मानिए, अगर जिस दिन मैंने एक कार्यक्रम 3 दिन का रखा, एक शाम गुरुवर के नाम, उस वक्त आदमी अपने दिल के उद्गार बोलते बोलते थक जाएगा, वो शाम कब सुबह में परिवर्तित हो जाएगी लोगों को पता नहीं चलेगा। इतने दिल हैं जिन पर गुरुदेव ने जिंदगी भर राज किया है।
उसमें आप भी शामिल हैं, आप सब शामिल हैं, सब। बस ये समझिए कि महाराज जी आप हम सबके नेता बनकर के अपनी आवाज़ से बोल रहे हैं। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, अगर आप सब की है तो एक बार आप सब मिल के ताली बजा करके बताइए। ये जीवन का सौभाग्य है। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं इस बात में कि कोई हमारे लिए हमको सौभाग्यशाली माने या ना माने, लेकिन हम अपने आप को तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिस दिल के अंदर कभी वासना रहती थी, जिस दिल के अंदर कभी क्रोध रहता था, लोभ रहता था, जिस दिल के अंदर कभी मायाचारी रहती थी, आज हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन का सौभाग्य है उस दिल में हमारे गुरु समा गए हैं। और ऐसे अशुद्ध स्थान पर भी गुरुदेव ने बैठ करके हमको कृतकृत्य किया है, और आज हमारे गुरु के कारण हमारी इज्जत है। अपने चेहरे की चमक के साथ अपने गुरु के चेहरे की चमक भी अपने चेहरे में शामिल करिएगा बंधुओं। कहीं भी दुनिया में जाइए, किसी से भी मिलिए, आपसे बात करते करते सामने वाले को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसके जीवन में इसके गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है और इसका गुरु विद्यासागर जी महाराज। बस इतना सा कमाल करिए, किसी से भी बात करिए, कहीं भी बात करिए, लेकिन अपने होने से, अपने गुरु के होने का सामने वाले को एक बार एहसास दिला के देखिए, देखना जिंदगी चमक जाएगी, चमक जाएगी। बंधु अभी चेहरे की चमक 9 to 5 से है, लेकिन जिस दिन चेहरे की चमक 24 times सिर्फ गुरुदेव से हो, रात के सोते समय भी अगर सपना आ जाए गुरुदेव का, तो हम उठ करके खड़े हो जाए। कभी ऐसा, कभी अंदर ऐसी भावना पैदा करके देखो कि गुरु जी आप मुझे सपने में क्यों नहीं आते हैं, आज मुझे आपको सपने में बात करनी है। उस दिन रात में अगर आपके सपने में गुरु आ जाए, लगेगा कि हम और गुरु बहुत करीब हो गए, और करीब हो गए। बंधुओं ये जीवन है, अपने जीवन का सौभाग्य बनाइए। हो सकता है आप अपने परिवार के लिए सौभाग्य ना हो सकता है आप अपने मोहल्ले के लिए सौभाग्य ना हो, अपने मंदिर के लिए, अपनी नगर के लिए, अपने समाज के लिए करोड़ों का दान देने के बाद भी आप सौभाग्य ना बन पाए हो, लेकिन अपने जीवन में आपका एक सौभाग्य बहुत बड़ा है कि आपने अपने गुरुदेव को अपने हृदय की उस पवित्र वेदी पर बैठाया है, जिस वेदी पर बैठने के लिए लोगों को भारी मेहनत करनी पड़ती है। उनने भी 55 साल मेहनत करी है। दया क्षमा के ऐसे क्या अंदाज था उनका, देखो ना आप कि कितने सारे साधु हैं, कितनी सारी साध्वियाँ हैं, कितने सारे श्रावक हैं, व्रती हैं, कितने सारे लोग हैं जो उनके जाने पर आहत हैं अंदर से। आज भी कमरे के अंदर जब बैठता हूँ और दुनिया भर के तमाम विवादों के बीच में स्खलित होते हुए मानस को देखता हूँ, तो गुरुदेव से हाथ जोड़ करके बस एक ही बात कहता हूँ, गुरु जी आप होते ना तो ये सारे संवाद ही घटित नहीं होते, आप होते तो सिर्फ वही होता जो आप चाहते हैं, फिर आपका नाम लेकर के हम कुछ भी कह दें। लेकिन आंख बंद करके कमरे में आज भी ये बात कहता हूँ कि गुरु जी आप भले कुछ मत करो, एक व्यक्ति का होना कितना मायने रखता है, जब हम उसको खो देते हैं तब पता चलता है कि तुम्हारे होने से लगता था कि हमारे होने का अर्थ है, और तुम्हारे नहीं होने के बाद लगता है कि अब हमारा होना और ना होना सब बेमानी हो गया। बंधु ऐसे गुरुदेव की भक्ति अपने जीवन में जला करके अंदर, कोई आपको सौभाग्य समझे या ना समझे, लेकिन आपके जीवन का आप स्वयं एक सौभाग्य बनिए कि हमने अपने गुरु को अपने उस प्रतिष्ठित आसन पर बैठा करके बरसों जिनकी पूजा करी है, ये अपने जीवन का एक बृहत्तम सौभाग्य है। बोलना तो अभी और कुछ चाहता था, लेकिन अभी आपका समय हो गया है इसलिए शब्दों को विराम दूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि संवाद को गति देने में मुझे लेट हो जाते हैं, वैसे एक अच्छे वक्ता को 20 मिनट में अपनी चाल ले आनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, हो सकता है मैं कुशल वक्ता ना हूं, तो मैं अपनी गति जब तक पूरी कर पाता हूं, और अच्छी बात कहने की भावना रखता हूं, उस वक्त तक समय पूरा हो जाता है। जो और अच्छी भाव थी उसको मैं कल रखने का प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।